हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर एचटीएमएल के माध्यम से हमको अगर जो कोई वीडियो टैग लगाना हो या फिर कोई आईडियो टैग लगाना है, जैसे हम ये चाहते हैं अपना अगर कोई वेबसाइट अगर जो होस्ट करें और कोई यूजर अगर जो ओपन करे तो उसको आईडियो और वीडियो दोनों वहाँ पे दिखाए, आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम लोग आईडियो और वीडियो टैग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो, उससे पहले एक हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कमेंट आउट के बारे में। जो कमेंट आउट हम आपको बताए थे कि जब आप कोड पे आएंगे और यदि कमेंट आउट आप लिख देंगे तो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं दे। और कमेंट आउट ज़्यादातर डिजाइनर या डेवलपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे सपोज करें कि अगर जो आपने ये फर्स्ट नेम लिखा है, आ रहा समझ में ना, या फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ही आपने हेडिंग लिखा है तो यहीं पर आप कमेंट आउट कर देंगे। जैसे आप करेंगे पहले लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क और दो बार माइनस का सिंबल, कमेंट आउट हो गया है ना। अब देखिए, इसके अंदर हम जो भी रख देंगे, हम जैसे सपोज करें हम यहाँ पे लिख दिए क्या मेन हेडिंग, हमारा मेन हेडिंग यही है, दिख रहा है ना? कंट्रोल एस से क्या कर ले, सेव। देखिए, अब ये मेन हेडिंग लिखने पे आपके आउटपुट में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे, कोई इम्पैक्ट यानी कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वो सिर्फ कहाँ दिखाई देगा, कोड में, आपने ये कोड यहाँ पे किया है। जो नीचे कोड किया वो किसके लिए आपने लिखा है, मेन हेडिंग के लिए आपने लिखा, हो जाएगा ना? और उसके जस्ट नीचे जब आएंगे तो यहाँ भी हम लगा दिए, यहाँ हम दे देंगे क्या कि यहाँ हम दिए किसके लिए, फॉर्म। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म, आ रहा समझ में ना? अब यदि कमेंट आउट में इन सभी कंटेंट का आप कर देंगे तो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हम फॉर्म लिखे इसको हटा दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिख रहा है इसका ना, कमेंट आउट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिख रहा है ना, तो क्लोजिंग टैग को हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। देखिए, सारा कंटेंट ग्रीन कलर का हुआ है ना, ग्रीन क्यों हुआ है, क्योंकि अब ये कमेंट आउट बन चुका है। अब यही कमेंट आउट हम यहाँ तक यानी कि एज के पहले ला करके हम क्या कर लिए, पेस्ट, सेव कर लिए। तो क्या अब ये ऊपर वाला कंटेंट आपको आउटपुट में दिखाई देगा, आउटपुट में आ जाएगा, सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है, एज, क्योंकि इसके ऊपर का सारा कंटेंट क्या हो चुका है, कमेंट आउट हो चुका है, इनकी हाइड हो चुका है। कमेंट आउट मतलब याद रखिएगा कि सिर्फ आपके कोड पे दिखाई देगा लेकिन आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। और कमेंट आउट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि हम अपने वेबसाइट को ये दिखा सकें अपने कोड में कि हाँ, हमने ये जो कोड लिखा वो किस लिए हमने ये कोड लिखा है, आया समझे ना? सपोज करें जब आपको एक बुक लिख रहे हैं, वो बुक लिखने के लिए आप उसका मेन हेडिंग लिखते हैं ना, ये बुक हम इस वजह से लिख रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बुक का ये कंटेंट इसमें है, ये लिखते हैं ना, तो वही कमेंट आउट करने के लिए हम इस कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लियर है ना? अब देखिए, कमेंट आउट हटा दिए यहाँ से, सेव किए और अब आ गए आउटपुट में। अब देखिए, सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना? तो कमेंट आउट समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा जी? हाँ, कमेंट आउट के बाद से देखिए हम थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज जिसमें हमने कोई ज़्यादा डेटा न बनाया, इसलिए क्योंकि अब हमको क्या करना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक तो डिलीट कर दी, वीडियो और आईडियो लगाना है। क्या लगाना है, वीडियो और आईडियो, सेव किए और सेव करने के बाद पहले हम आ जाते हैं किस पे, इसको गो लाइव कर ले। कुछ दिखाई दे रहा है इस पे, हम चाहते हैं या सपोज कि आप फॉर्म पे ही आ जाइए कि फॉर्म भरते समय नीचे आप एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, हाउ टू फिल फॉर्म, अरे समझे ना, कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना होगा, तो उसके लिए आप एक वीडियो बना लेंगे। या ऐसे फॉर्म जब खुला रहेगा तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करिए और यही फॉर्म यहाँ से बनाते उसको क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर, हो जाएगा ना? और वही वीडियो आप यहीं पे ऐड कर देंगे कि कभी भी जब यूजर को फॉर्म भरना है तो वो वीडियो देख करके यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर, आ रहा समझ में ना? तो देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले हम कोई वीडियो देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई वीडियो है कि नहीं, चलिए एक ऐसे ही हनुमान चालीसा दिख रहा है ना, ये हम ओपन कर लिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये प्ले है कि नहीं। आइडियो है इसके नीचे वाला, ये भी आइडियो ही है लग रहा है,
ये भी सेम हो, इसलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे एक वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं ना। अब देखिए वीडियो हमको यहाँ से नहीं रखना होगा, बल्कि ये जो वीडियो है यहाँ से हम कर लेंगे कट या कॉपी कर लिए, और जहाँ पे हमारा फाइल है HTML 8.4, जहाँ HTML 8.4 बनाया है ना, उसके अंदर चले जाएंगे और एक फोल्डर बना लेंगे वीडियो नाम से, जैसे शॉर्ट में दे VID, और इसके अंदर उसको हम क्या कर लिए, हाँ नाम जो है लंबा ना हो इसलिए हम F2 बटन प्रेस करके इसका नाम बस चेंज कर लेते हैं, सिर्फ दे दिए वीडियो, क्या दे दिए, हो जाएगा ना। वीडियो देने के बाद से अब हमको आ जाना होगा कहाँ पे, कोड पे, और यहाँ पे अगर जो आईडियो लगाना है इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसका, आईडियो का, और यदि वीडियो लगाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, वीडियो। देखिए वीडियो ओपन और क्लोज अपने आप आ गया है ना, लेकिन एक ऑप्शन दे रहा किसका, SRC सोर्स का, तो उसके लिए पहले हम दे देंगे यहाँ पे क्या, VID, यही वीडियो का फोल्डर है ना, और यही वीडियो है। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, सेव, और सेव करने वास्ते आ गया आउटपुट। अभी आपको एक वीडियो ऐसे दिख रहा है ना, आइडल विथ कुछ ज्यादा दिख रहा है, कोड पे गए और इसके अंदर हम लगा दिए क्या हाइट, हाइट को कर दिए ज्यादा नहीं बस 400 पिक्सल, और विथ को कर देते हैं विथ 600 पिक्सल, सेव, और फिर कहाँ पे आउट, सही है ना। हाँ लेकिन अभी चल नहीं रहा है ना, ही कहीं बटन दे रहा है प्ले करने के लिए, दिख रहा है ना। तो उसके लिए फिर जब कोड पे आएंगे तो इसी के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ कंट्रोल, क्या लिख देंगे, कंट्रोल, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। अब देखिए प्ले करने के लिए यहाँ से आगे और बैक करने के लिए यहाँ पे साउंड का, यहाँ पे फुल स्क्रीन का, ये सारा ऑप्शन दिख जा रहा है यहाँ पर ना। डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। जैसे देखिए अगर हम अपना ये वीडियो डाल दिए वेबसाइट पे लगा दिए, और देखो कोई यूजर चाहता है कि इस वीडियो को डाउनलोड कर पाना, तो यहाँ से क्या कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, दिख रहा है ना। क्या नाम दिए थे हम लोग फाइल का, क्या वीडियो नाम से डाउनलोड हुआ है। अब रही बात ये प्ले करने की, तो क्लिक कर दीजिए, प्ले हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें, हाँ लेकिन हाँ एक चीज और चाहते हैं, नहीं हो तो चलिए यही वीडियो हम फॉर्म टैग के अंदर लगा देते, फॉर्म टैग के अंदर लगा दिया जाए ना। मान लेते हैं कि एक ऐसा ये वीडियो है कि हाउ टू फिल फॉर्म, कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना होगा, तो यहीं पे चलिए हम फॉर्म वाले पर आ गए, और सबसे नीचे जा करके टेबल के जस्ट नीचे हम यहाँ पे लिख दिए H2, और H2 के अंदर दे दिए हाउ टू फिल फॉर्म, हाउ टू फिल सेव किए, और इसको कर देते हैं गो लाइव। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ना हाउ टू फिल फॉर्म, हाँ इसका भी कंटेंट सेंटर में कर लेंगे जैसा भी होगा, हो जाएगा ना। हाँ नहीं तो सेंटर में करने से बेहतर हमें यही रहने दे, और इसी के नीचे हमको क्या करना है, वो वीडियो लगाना है, H2 टैग के नीचे हम क्या लगाएंगे, वीडियो, SRC आ गया है ना। SRC के अंदर हम उस वीडियो फाइल का नाम दे देंगे, यही वीडियो है ना, इसका हाइट और विथ लगा देंगे, इसका हाइट होना चाहिए 400 पिक्सल दिए थे ना, अपने हिसाब से साइज दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। विथ दे दे कितना होना चाहिए, 600, सेव किए, और आगे कहाँ पे आउटपुट, देखिए वीडियो आ गया लेकिन अभी प्ले नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना। तो वीडियो टैग के अंदर ही आप क्या लगा लेंगे यहाँ पे, सिर्फ कंट्रोल्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कंट्रोल, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब देखिए वीडियो कंट्रोल करने का आसान आ गया है ना, हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर अगर जिसको ओपन करे तो उसको वीडियो प्ले करने की आवश्यकता ना हो, वीडियो अपने आप चलने लगे, वीडियो क्या हो, अपने आप चलने लगे, तो उसके लिए फिर हमको क्या करना होगा, कोड पे दबाएंगे तो कंट्रोल्स के आगे हम लिख देंगे ऑटो प्ले, क्या लिख देंगे, ऑटो, सेव करेंगे। अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, पेज पे आगे अपने आप चलने लगा ना, हम प्ले करने नहीं गए ना,
फिर रिफ्रेश कर ली, ऐसे रुका हुआ है ना। हम एक बार यहाँ पे आ गए, अपने पेज को सेव की और देखिए सिर्फ हम आउटपुट पे आ रहे हैं, ऑटो प्ले लगा हुआ है ना। एक बार इसको हटा दिए, कंट्रोल से क्या कर लिया, सेव और आउटपुट पे आ गए। अपने आप अभी प्ले नहीं हुआ है ना, लेकिन सिंपल बस हम इसके अंदर ऑटो प्ले रखे, क्या रख लिए, ऑटो प्ले। और ऑटो प्ले रखने के बाद से कंट्रोल या से क्या कर लिए, अब इस पे आते ही देखिएगा, दिख रहा है अपने आप ने, तो ऑटो प्ले का मतलब समझा रहा है ना। हाँ, इसी में एक और प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए अगर ये अभी वीडियो क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, यही है ना। अभी वीडियो खत्म हो रहा है, तो खत्म होते ही देखिए, फिर अपने आप स्टार्ट हुआ, अपने आप में ही स्टार्ट हुआ है ना। हम ये चाहते हैं वीडियो जैसे खत्म हो फिर अपने आप शुरू से चलने लगे, आया समझे ना। देखिए वीडियो जब लगाइएगा कभी भी वेबसाइट डिजाइन करते समय, तो उसमें ऑटो प्ले नहीं रखना हो, रख भी सकते हैं, लेकिन देखिए ऑटो प्ले रखने से क्या होता है कि कुछ ऐसे यूजर हैं जिसके पास इंटरनेट कम है अभी, आया समझे ना, और वो सोच रहे हैं हम फटाफट ये काम अपना कर सकें, इंटरनेट कम यूज हो। अगर जो आपने ऑटो प्ले पे दे दिया है, तो जैसे वो डिजाइन वेबसाइट ओपन करेगा तो अपने आप वीडियो प्ले होने लगेगा, उसका इंटरनेट जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके आगे उस वेबसाइट को यूज नहीं कर पाए, आया समझे ना। तो ऑटो प्ले कर प्ले कर को हटा देते हैं कि जब वो आएगा उस वीडियो प्ले करना चाहेगा तो क्लिक करेगा, वीडियो अपने आप क्या हो जाएगा, फिर प्ले होने लगेगा, आया समझे ना। हाँ, लेकिन एक और प्रॉपर्टी हमने बताया कि जब आप यहाँ पे क्लिक करें, जब ये खत्म होने वाला रह रहा है, तो फिर अपने आप पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा शुरू से, हम चाहते हैं जब खत्म हो फिर अपने आप पहले से स्टार्ट हो, फिर खत्म हो फिर पहले से स्टार्ट हो। जब उसके लिए आएंगे कोड पर, तो इसके अंदर ऑटो प्ले के आगे आपको लिख लेना होगा लूप, क्या लिखना है, लूप, कंट्रोल या से सेव, और सेव करने के बाद से आउट। अब देखिए जैसे यहां से खत्म होगा, खत्म होते ही देखिए स्टार्ट किया है, अपने आप स्टार्ट हुआ है ना, सिर्फ क्या प्रॉपर्टीज लगा देने से, लूप लगा देने से। तो यहाँ पे वीडियो टैग में SRC क्या है, कंट्रोल्स क्या है, ऑटो प्ले क्या और लूप क्या, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। कंट्रोल क्या है, उसमें वीडियो प्ले करने का ऑप्शन दे दे रहा है, ऑटो प्ले क्या है कि वो अपने आप प्ले होने लग रहा है, और लूप क्या, वो खत्म होने नहीं दे, खत्म होगा फिर अपने आप शुरू से हो जाएगा, नहीं तो हम अभी इसको मिनिमाइज ही रखे हैं ना, वीडियो प्ले कर देंगे और मिनिमाइज रखेंगे तो प्ले होता ही रहेगा, चलता रहेगा, आर समझे ना। अगर जब आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए ब्राउजर पे और प्ले करके छोड़ दीजिए, मिनिमाइज करके आप दूसरे पर आ जाइए, अपने आप वो वीडियो चलता रहे, आर समझे ना। अब यूट्यूब चलाए है ना, गधा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो जो वीडियो टैग का इस्तेमाल करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ, वैसे ही वीडियो के जवाब आपको आईडियो लगाना, तो वीडियो टैग के जवाब क्या लगा लेंगे, आईडी, सेम कंडीशन वही रहेगा, कंट्रोल ऑटो प्ले लूप का हो जाएगा ना, और उसके आइकन का आपको जो भी हाइट और विड्थ देना है आप हाइट और विड्थ दे दीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ये नोट कर लीजिए वीडियो के लिए आपको क्या देना होगा, कैसे काम करना हो। हाँ, ये कंट्रोल्स लिख लीजिएगा, कंट्रोल जैसे लिखेंगे तो उसमें वीडियो प्ले करने का साउंड का एक ऑप्शन जुड़ जाएगा, वीडियो को हम प्ले कर सकते हैं। ऑटो प्ले लगाने से मतलब क्या होगा कि वीडियो अपने आप चलने लगेगा, और लूप का मतलब क्या होगा, वीडियो जब खत्म होगा फिर अपने आप शुरुआत से आ जाए, तुमको इसलिए और याद नहीं रह रहा, तुमको लिख नहीं रहा, सिर्फ फोटो क्लिक कर रहा, इसलिए और नहीं याद रह रहा।
हो गया कि जैसे वीडियो लगा दिए हैं, और अगर जो कहीं ऐसा हो रहा है कि जो हमारा कोई कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे ये चाहते हैं कि अगर जो हम कोई फोटो लगा दिए हैं, आ रहा समझे ना, और फोटो बहुत ऐसे यूजर होते हैं जैसे डाउनलोड करना चाहते हैं, आ रहा समझे ना, या सपोज के हम एक फाइल बनाए हैं, उस फाइल का हमारा कोई पीडीएफ है और हम चाहते हैं कि यूजर को एक ऐसा बटन दे दें कि जैसे वो बटन पे क्लिक करे तो उसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, आ रहा समझे ना। देखिए वैसे हम लोग एक आईएमडी टैग लगाए थे ना, तो एक सिंपल तरीका आज बता दे रहे हैं पहले कि आप आ जाइए इस वाले पर, या एचटीएमएल वाले पर, वीडियो यही लगाए ना, इसके नीचे आ जाए और यहाँ पर हम दे दिए, आप इस्तेमाल कर लेंगे किसका, आईएमजी का, इसके अंदर सोर्स दे दीजिए, इमेज फोल्डर और कोई इमेज दे दीजिए, और जस्ट इसे लिख दीजिए क्या, डाउनलोड। क्या दे देंगे, डाउन, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, ठीक, और आ जाएंगे कहाँ पे, ऑटो प्ले मत हो को जी, तो इसको कर दिया हमें यहाँ से पोर्ट, और पोर्ट करने के बाद से गो लाइव, यही इमेज है ना। अब इसके सामने कोई लिंक लग करके नहीं आया है ना, हाँ, तो अगर जो ऐसा हो उसके लिए सबसे बेहतर हम दे देंगे, आप लोग एक टैग पढ़े होंगे, एंकर टैग, एंकर टैग पढ़े हैं ना, कि ए करके इंटर करिए, एंकर टैग आ जाएगा। अब एच रेफरेंस के अंदर उस फाइल का नाम दे दे, फाइल का नाम क्या है, तो हम इमेज का नाम दे दिए और ये इमेज दे दी, और जस्ट यहाँ पे हम लिख दिए क्या, डाउनलोड, क्या दे दिए, डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद से ये कौन सा थ्री वाला हम वहां लिया इमेज ना, तो यहाँ भी हम थ्री वाला ही ले लेंगे, हो जाएगा ना। और जस्ट इसके अंदर जब आएंगे तो फिर हम एक और प्रॉपर्टी दे देंगे किसका, डाउनलोड का, हो जाएगा ना। डाउनलोड के अंदर आप यही फाइल दे देंगे, सेम आईएमजी, हो जाएगा ना, सेव करिए और आ जाएंगे कहाँ पे, आउटपुट पे, देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, क्लिक करिए, क्लिक करते क्या वो फाइल डाउनलोड हुआ, यहाँ पर दिख रहा है ना, ओपन करिए, यही इमेज है ना, इमेज को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा ना, हाँ, पेंट करके ओके कर लीजिए, पेंट में इमेज ओपन हो जाएगा, हुआ ओपन। तो ये कैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई, ये समझ आ रहा है ना। हाँ, अगर जो वीडियो ये पहले इमेज दिखाना है तो उसके लिए ऊपर हम आईएमजी टैग का इस्तेमाल करेंगे, और यदि इमेज नहीं दिखाना है, सिर्फ डाउनलोड का बटन दिखाना है, तब सिर्फ हम इसका इस्तेमाल करें, एंकर टैग, हो जाएगा ना। अब चाहे कोई पीडीएफ फाइल हो, कोई वीडियो फाइल हो, कोई ऑडियो फाइल हो, सारा अगर आप देना चाहते तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, एक बार और समझ लीजिए, सिंपल हम कैसे दिए हैं, इसको हटा दिए, बी आर टैग लगा दिए ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, नीचे आ जाए, इमेज दिखाना था हम किस टैग का इस्तेमाल कर लिए, आई एम फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिए इमेज, और डाउनलोड वन फोटो दे दिए, सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउट, तो फोटो यहाँ पे बस दिख रहा है ना, लेकिन कहीं डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, हम वही कोड पे गए और जस्ट इसके आगे कोड लगा दिए, कौन सा, एंकर टैग, और उसके अंदर हम वही इमेज दे देंगे डाउनलोड वन वाला, सेव किए और आउटपुट पे आ गए, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इसके अंदर हम सिर्फ नाम दे दिए डाउनलोड, सेव किए और अब आ गए आउटपुट पे, देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, क्लिक कर दिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, हो जाएगा ना। हाँ, नहीं तो आप इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टीज लगा देंगे किसका, डाउनलोड, और जो नहीं डाउनलोड होगा तब के लिए प्रॉपर्टीज क्या लगा देंगे, डाउन, और डाउनलोड होने वाले उस फाइल का क्या नाम दिखना चाहिए, क्या नाम है उसका, नाम दे देंगे जो भी नाम दे, हम दे दिए आई एम जी, क्या दे दिए, आई एम वन कर लिए, सेव किए और सेव के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट क्लिक करें, क्लिक कर देखिए आई एम जी वन नाम से डाउनलोड हुआ है, हो जाएगा ना। तो ऐसे अगर जो कोई डाउनलोड का भी अगर जो कोई लगाना हो किसी फाइल का, तो लगा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, तो यहां तक आज आप लोग करके आइए लोग, फिर